इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ज्ञान वापी विवाद पर कल से वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञान वापी का केस वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। सिविल कोर्ट से जिला जज कोर्ट को सारे दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। ऐसे में सबकी निगाहें अब जिला अदालत पर टिकी हैं। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो शुरू से ही इस केस को बेबुनियाद और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताते रहे हैं। कल जिला कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि ज्ञान वापी मामला आगे सुनवाई के लायक है भी या नहीं। इस बीच कल से शुरू हो रही जिला कोर्ट में सुनवाई से पहले ज्ञान वापी से जुड़ा एक अहम सबूत सामने आया है। ज्ञान वापी के दक्षिणी भाग के तहखाने पर व्यास परिवार ने अपना दावा ठोका है। श्रृंगार गौरी मां की विशेष पूजा का अधिकार व्यास परिवार के पास ही है। व्यास परिवार की 10 पीढ़ियां यहां पूजा करती आई हैं। व्यास परिवार ने 150 साल पुराने कोर्ट का ऑर्डर इंडिया टीवी को दिखाया। व्यास परिवार के वकील ने बताया कि 1854 में ही अदालत ने साफ कर दिया था कि तहखाने पर उनका हक है। ज्ञान वापी पर सबसे सॉलिड दस्तावेज का दावा मौजूदा परिस्थितियों में कितना मायने रखता है ये तो कोर्ट में ही तय होगा, जिसका हम सबको इंतजार है। मुकाबला में बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले व्यास परिवार के वकील का वो दावा आपको सुनवा देते हैं। ये 1854 का फैसला है, 18 नवंबर 1854 का फैसला है। इस फैसले में वजू करने का पानी जो नीचे ही हमारे तरफ फेंकते थे, इसके लिए बाकायदा पूरा जजमेंट दिया हुआ है और ये उसकी बाकायदा है, पूरी कॉपी लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि आप हमारे मैदान की तरफ कोई वजू का पानी भी नहीं फेंक सकते हैं और न हमारे मैदान की तरफ उतर के कोई घूम फिर भी सकते हैं। और देखिए, इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपराजिता सारंगी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती धर्मगुरु हमारे साथ हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष एमपीसीआई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ शाहिद अली भी जुड़ेंगे जो कि लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, एक होता है दावे, एक होते हैं सबूत। सबूत पे सबूत हिंदू पक्ष की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, अब व्यास जी के तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से, उनके वंशजों की तरफ से भी जो सबूत हैं वो रखे जा रहे हैं। इन सबूतों के इतर आपके क्या तर्क होंगे अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए? देखिए, दावे तो कहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन सबूत अदालतों में पेश किए जाते हैं और अदालतों में सबूत जाएंगे तो अदालतें उनको ट्राई करेंगी। वो अदालतों का विशेष अधिकार है, वो मेरा नहीं है और ना आपका है, ना मैं लॉयर हूँ कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन मैं सीधे सीधे ये मानता हूँ कि ये इस किस्म के तमाम केसेस, अगर 1991 का जो एक्ट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा हुआ है, 2 साल हो गए, उनको जवाब दे देना चाहिए। इस सरकार का कहना है कि सरकार ने इसकी अपोजिशन की थी उस वक्त भी जब ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तो उस वक्त तो ये लोग अपोजिशन में थे, बीजेपी अपोजिशन में थी, उस वक्त भी 100 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट थे, लेकिन ये पास हुआ था। अपोजिशन की हैसियत से उन्होंने तमाम बिल्स का उस वक्त विरोध किया होगा। अब 8 साल से आप सरकार में हैं, अगर आपको लगता है कि ये तमाम केसेस खुलने चाहिए, तकरीबन 27 मसाजिद पर दावा किया जा चुका है आर्काइव्स एंड नॉन आर्काइव्स मिला के, और सरकार खामोश है, तो ये तो सरकार उसको रिपील कर दे या सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब दाखिल कर दे कि वो इसे रिपील करना चाहती है, बिकॉज इस वक्त पहले उन्होंने इसकी अपोजिशन की थी। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी 3,000 मसाजिद का दावा किया था और अभी तो 30,000 तक की बात भी की जा रही है, कितनी सही है कितनी गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है, अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुलना है, अगर हमारी आज़ादी का मतलब ये था कि हम मंदिरों और मस्जिदों पर इस मुल्क में मुख्तलिफ तबकात को लड़ाते रहेंगे और हम 300-400 साल की पुरानी तारीख में हम जीना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर जाइए तमाम जगहों पर सर्वे करवाइए, खुदाइयां करवाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।